हेलो दोस्तों, शिशु टेक्नो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शिशुपाल वर्मा और आज हम करने जा रहे हैं गीजर की जो पानी इसमें जमा रहता है उसकी ड्रेनिंग या उसके फ्लशिंग भी बोलते हैं। इसको ड्रेन या फ्लश करना तब जरूरी होता है जब गर्मी का सीजन आ जाता है, ठंडी का सीजन खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ से पानी जाता रहता है इसमें गर्म होता है, यहाँ से पानी गर्म होकर के वो हमारे नल से बाहर निकलता है। अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो पुराना पानी इसमें जमा रहता है जो कि धीरे धीरे सड़ता जाता है और इससे इसकी लाइफ कम हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया और वायरस पैदा हो जाते हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी जो है आगे आने वाले सीजन में अच्छा नहीं होता है। तो इसको ड्रेन करना या इसको फ्लश करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा आसान है और इसको करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इसकी ड्रेनिंग या फ्लशिंग। सबसे पहले आप इस प्लग को निकाल लीजिए। प्लग को अब इस पूरे सीजन में नहीं लगाना है, इसको सेफ्टी के लिए इसको एक ऐसे प्लास्टिक में बांध दीजिए ताकि ये पानी वगैरह से बचा रहे, इसमें कोई कोरोजन ना हो, और इसको किसी रस्सी या किसी वायर से इसको फिक्स कर दीजिए। देखिए ये बन चुका है। अब ये सीधा इसको हम लगाएंगे अगले सीजन में, जब ठंडी का सीजन आएगा तब इसको आप लास्ट में गीजर के ऊपर कहीं रख दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको जैसा इस मैनुअल में मैं दिखा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि 6 महीने पे यह फ्लशिंग करनी होती है, मैनुअल में लिखा होता है, लेकिन हम जानकारी के अभाव में इसे नहीं करते हैं। अभी इसका प्रोसेस आप समझ लीजिए। सबसे पहले अभी हमें यह देखना है कि ये क्या कितने दिन से बंद है। अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है इसको बंद किए हुए, तो सबसे पहले इसको नल के थ्रू इसका सारा पानी निकाल दीजिए, कम से कम 2 बकेट। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है इसमें पानी जमा, तो 2 बकेट पानी कम से कम इसको ड्रेन कर दीजिए नल के थ्रू। आपका जो गर्म पानी जो नल में जा रहा है, जिस तरफ आप उस तरफ नल को हीट वाले तरफ साइड में कर दीजिए। यहाँ से हॉट वाटर की तरफ मैंने इसको घुमा दिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें गंदा पानी भी आ रहा है, इससे निकल रहा है। इसको कम से कम 2 बकेट निकालिए ताकि ये पूरा अंदर से फ्लश हो करके पानी बाहर निकल जाए। इस तरह से पूरा 2 बकेट पानी आपको निकाल देना है। फ्रेंड्स, 2 बकेट पानी निकल जाने के बाद अब हमें क्या करना है, सेफ्टी वाल्व है ये इसको टेम्परेचर एंड प्रेशर सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। कभी भी इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए और पानी बॉयल करने लगता है तो ये वाल्व ऑपरेट होकर अपने आप पानी यहाँ से निकल जाता है, जिससे फटने से बच जाता है। या कभी कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से तो ये फटने से पहले यहाँ से पानी निकलने लगता है ताकि इसका प्रेशर कम हो जाए, या सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। और साथ में हम इसको ड्रेनिंग और फ्लशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको इधर एक स्क्रू होता है, ये वाल्व एक स्क्रू से टाइट रहता है, हल्का सा ही टाइट होता है, बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। एक स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लीजिए। अभी आपका ये इनलेट वाला जो नल है वो ऑन है, पानी इसमें जा रहा है, और यहाँ से जो आउटलेट है वो भी ऑन है, मतलब पानी यहाँ से निकल भी सकता है। आप चेक कीजिए यह वाल्व आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, इस लीवर को उठाना है, उठाने से यहाँ से पानी गिरना चाहिए, इसका मतलब आपका वाल्व सही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी बहुत तेज़ी में निकल रहा है क्योंकि इधर से प्रेशर भी जा रहा है। ये वाल्व हमारा सही है, अगर इसको उठाने से पानी नहीं निकलता है तो ये वाल्व आपका ख़राब है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये वाल्व तो हमारा चेक हो चुका है, ये काम कर रहा है, ओके है। तो अब हमें इसको फ्लश करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले इनलेट वाला जो आपका नल है इसको भी बंद कर दीजिए, आउटलेट वाला जो नल है इसको भी बंद कर दीजिए, और यहाँ से आप प्रेशर पहले रिलीज कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, ये प्रेशर तो रिलीज हो गया लेकिन पानी इसमें अभी भी काफ़ी भरा हुआ है। तो अब फर्दर प्रोसेस के लिए आप इन दोनों कनेक्शन को खोल दीजिए, इनलेट और आउटलेट। या अगर हाथ से नहीं खुलता है तो आप ऐसा प्लायर्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास 23 नंबर का रिंच है, 23 नंबर का रिंच इसमें लगता है, स्पैनर या रिंच, यानी तो स्लाइड रिंच है, तो आप उससे भी खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनलेट आउटलेट दोनों खुल चुके हैं, और इस वाले वाल्व को ओपन कर दीजिए। अब क्या है, इस रास्ते से पूरा पानी बाहर निकल आएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है, पानी निकलता रहेगा।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लगभग खाली हो चुका है, इसमें 15 लीटर कैपेसिटी थी, पूरा पानी निकल चुका है। अब इसको थोड़ा बहुत जो निकल रहा है इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको आधा घंटा आप ऐसे फ्रीली निकलने दीजिए। तो ये आधे घंटे में लगभग पूरी तरह से खाली हो जाएगा, अंदर का सारा पानी निकल जाएगा और आपके जो सिस्टम है अंदर में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इससे इसकी लाइफ जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स अभी आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको आगे का प्रोसेस करते हैं। ये जो इनलेट जो पाइप है इसको वापस लगा दीजिए। पाइप है इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना होता, नॉर्मल टाइट करते हैं। बहुत ज्यादा टाइट करेंगे तो अंदर का वाशर कट जाता है, इसको नॉर्मल हल्का सा टाइट कर दीजिए। और ये आपका आउटलेट है इसको भी टाइट कर दीजिए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो वाल्व हमने ओपन किया था इसको क्लोज कर दीजिए। और अभी एक प्रोसेस लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। इसको क्लोज करके ये स्क्रू को लगा दीजिए वापस। इस स्क्रू को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल हल्का सा टाइट करना है। ये थोड़ा सा हिलता भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा टाइट करके छोड़ दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि आपका जो ये वाला जो नल है जिसमें से ठंडा पानी जा रहा है इसको हम परमानेंटली बंद कर देंगे कि कोई इसको ऑन करके इसमें पानी ना डाल दे। आपको तो पता है कि ये इसको ऑफ रखना है, कोई गेस्ट हो या कोई बच्चा हो इसको खोल देगा तो इसमें पानी चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पोंछ दीजिए इसमें कोई पानी ना रह जाए और इसके ऊपर आप टेप मार दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये परमानेंटली क्लोज हो गया है। अब कोई भी समझ जाएगा कि इसे ओपन नहीं करना है। अगला सीजन जब आता है ठंडी का सीजन तभी इसको काट करके ओपन कीजिए। और जो हमने जो ये फ्लश वाला काम किया था ये आपको पानी फुल करके नल से पानी निकालना है ठंडी आने पे जब भी आप शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर अभी भी है तो उसको क्लीन करना जरूरी है। तो दोबारा जब भी आप स्टार्ट करेंगे सीजन में तो इसमें पूरा पानी ओपन करके भेज के कम से कम दो बकेट निकाल करके उसको फ्लश कर लीजिएगा। और यहाँ से जो अभी फ्लश प्रोसेस किया है उसको भी कर लीजिएगा, तो आपका पूरा क्लीन हो जाएगा और नेक्स्ट सीजन में आपका फिर से ये गर्म होने के लिए पानी सर्विस के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने दिखाया था मैनुअल में लिखा था ये 6 महीने में 2 बार करना है। इसका मतलब यही होता है कि एक बार जब गर्मी शुरू होती है जब इसका यूज बंद कर देते हैं तब करना है, और एक बार जब सर्दी शुरू होगी जिस समय आप इसका यूज स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और किसी ऐसे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो गीजर्स यूज करते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, उनकी भी गीजर की लाइफ बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।